ओके, स्वागत का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है कोर जावा का 9 सेशन और आज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, साथ ही साथ 12 लॉजिकल कोड स्निपेट्स हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपके रिटन टेस्ट में आते हैं। ओके, ये देखिए उसके एग्जांपल्स हैं। ये 12 लॉजिकल कोड स्निपेट्स हम देखेंगे, वो भी 12 कोड स्निपेट्स 12 मिनट्स में सॉल्व करेंगे। ओके, इसे सॉल्व करने के लिए आपको जो है नॉलेज होना जरूरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ओके, जो कि हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ भी जाएंगे। इनके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर भी दो अलग पार्ट आते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, उसे भी हम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर से। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर से हम स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर से पहले भी हमने पढ़ा है रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं वहां जाकर के देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर दिया ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स और साथ ही साथ उसके मीनिंग्स, जैसे हमेशा हम करते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया ऑपरेटर और इस साइड में हम लिखेंगे उसके मीनिंग्स, राइट। ठीक है, तो पहला जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, एंड ऑपरेटर, डबल एम्परसेंड जो होता है यहां यूज हो रहा है एंड ऑपरेटर के, इसे हम कहते हैं लॉजिकल। ओके, इसे हम कहते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड। उसके बाद दो पाइप सिंबल्स आते हैं। ओके, दो पाइप सिंबल्स आते हैं, दो पाइप सिंबल को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल, लॉजिकल और ऑपरेटर। ओके, इसका यूज क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। और यहां आ जाता है एक नॉट सिंबल, जो एक्सक्लेमेटरी होता है, ये आपका यूज होता है लॉजिकल नॉट की तरह। ओके, लॉजिकल नॉट की तरह। देखिए इसका यूज क्या होता है, डबल जो आपका एम्परसेंट है जिसे हम लॉजिकल एंड कह रहे हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर है। इट मींस ये दोनों तरीके के ऑपरेंड पे काम करेगा, दो ऑपरेंड रहेंगे इसके, लेफ्ट साइड में एक ऑपरेंड, राइट साइड, लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक। ओके, ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड कोई वैल्यू हो सकता है, कोई लिटरल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, राइट। और ये होता है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर के भी दोनों तरह ही दो साइड में दो ऑपरेंड रहेंगे, बट नॉट ऑपरेटर जो है ये यूनरी है। ओके, यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, लास्ट वीडियो में डिटेल्स में बताऊं मैं। यूनरी ऑपरेटर वो होता है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करे, ठीक है। आज इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं सारी चीजों को उनको पता होगा। ओके, ठीक है, सो इनका जो है यूज हम देखने के लिए एक टेबल को समझ लेते हैं, और वो टेबल समझ जाएंगे तो इसको हम अच्छी तरीके से जान पाएंगे, और उसके बाद ये जो कोर्स निपेट है ये भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको पेन प्रोग्राम ओपन करता हूं, पेन प्रोग्राम में देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है, राइट। ओके, सो ये हो गया हमारा पहला टेबल, और इसमें मैं कुछ रोज बना देता हूं, जैसे कि ये हो गया पहला, एंड दिस इज द सेकंड, ठीक है। ओके, ये इसका वैल्यू यहां आ जाएगा और यहां एक वैल्यू आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा वैल्यू। तो यहां पे अगर एंड ऑपरेटर यूज किया जा रहा है, ओके, अगर एंड ऑपरेटर यूज किया जा रहा है तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। ओके, एंड ऑपरेटर यहां अगर ट्रू रहता है, ओके, यहां अगर ट्रू रहता है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर, ये देखिए मैं एक बार और कहता हूं आपको, ये जो ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं आज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये ठीक वैसे ही ऑपरेटर है जो इससे पहले वाले सेशन में हम पढ़ चुके हैं। रिलेशनल ऑपरेटर भी हमें रिजल्ट देता है सिर्फ और सिर्फ बुलियन वैल्यू में, ट्रू और फॉल्स वैल्यू में। ओके, ठीक उसी तरह से ही हमारा ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये भी हमें बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है। इट मींस अगर यहां पे एंड यूज हुआ है तो दोनों ही एक्सप्रेशन, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए, तब उसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको एग्जांपल में, बट बेसिक बता रहा हूं। और ऑपरेटर में क्या होगा, और ऑपरेटर में अगर दोनों तरफ फॉल्स होगा तो ही रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट जो है ट्रू नहीं आएगा। दोनों तरफ रिजल्ट एक भी अगर ट्रू रहेगा तो वो ट्रू हो जाएगा, दोनों साइड अगर फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स होगा और ऑपरेटर में। यहां पे क्या है, एक भी अगर फॉल्स रहा तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। एंड ऑपरेटर मतलब होता है, एंड ऑपरेटर दोनों तरफ ट्रू रहना चाहिए और तभी वो ट्रू होगा, और ऑपरेटर का मतलब होता है दोनों साइड में फॉल्स होना चाहिए तब उसका रिजल्ट जो है फॉल्स आएगा। और नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है वो जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी वैल्यू, उसे जस्ट चेंज कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। ओके, इन्वर्ट कर देता है, मतलब ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ओके, ये आपको डायग्राम में अभी समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ओके, ये हो गया ट्रू और यहां आ गए हम, आ गए फॉल्स। तो अगर यहां पे ट्रू है, ओके, अगर यहां पे ट्रू है तो ट्रू प्लस ट्रू यहां पे क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा एंड ऑपरेटर में। अगर ट्रू प्लस फॉल्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इट मींस अगर एक भी फॉल्स है तो वो ट्रू कभी नहीं होगा, ट्रू ऑपरेट जो अपना एंड ऑपरेटर में। ओके, अगर यहां पे फॉल्स है, ओके, अगर यहां पे फॉल्स है
तो फॉल्स और ट्रू मिलने पर भी यहां पे फॉल्स ही होगा, क्या होगा, फॉल्स ही होगा, और साथ ही साथ फॉल्स और फॉल्स मिलने पर भी यहां पे फॉल्स ही होगा, ओके, क्योंकि यहां पे, ओके, यहां पे क्या हो रहा है, देखिए एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में हमेशा ट्रू और ट्रू ही, यहां पे जो ट्रू है ये ट्रू और ये ट्रू, ओके, ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर फॉल्स और ट्रू मिलेंगे तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स और ट्रू मिलेंगे तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, फॉल्स और फॉल्स मिलेंगे तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों साइड में ट्रू है तो ही ट्रू होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू होते हैं तो ही आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा एंड ऑपरेटर में, ओके, अगर एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स कहलाएगा। इसी के जस्ट ऑपोजिट हम लोग देखते हैं कि और ऑपरेटर में क्या काम आता है, ओके, और ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, ठीक है, तो मैं यहां पर बना देता हूं और ऑपरेटर के लिए, ये हो गया हमारा और ऑपरेटर, ओके, ठीक है, ये जाएंगे उसमें वैल्यू और ये आएगा रिजल्ट, ठीक है, ओके। तो यहां पे और ऑपरेटर, और ऑपरेटर क्या है, दो पाइप सिंबल, ओके, यहां पे अगर आपका ट्रू रहता है, ट्रू रहता है, और यहां पे अगर आपका ओके, पहले यहां आ जाते हैं, ओके, यहां अगर ट्रू रहेगा, ओके, और यहां अगर फॉल्स रहेगा, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा, यहां अगर ट्रू है, ओके, और यहां अगर फॉल्स है, ओके, यहां अगर ट्रू है तो ये ट्रू और ट्रू मिलकर के यहां पे क्या हो जाएंगे, ट्रू और ट्रू मिलकर के यहां क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ओके, ट्रू और फॉल्स मिलकर के यहां क्या हो जाएंगे, फॉल्स होगा, क्योंकि और ऑपरेटर में क्या होगा, आपको फॉल्स अगर चाहिए, अगर आपको फॉल्स चाहिए तो दोनों ही साइड फॉल्स होना जरूरी है, यहां क्या हुआ, ट्रू और ट्रू, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एज कॉलम, मैं क्या कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एज कॉलम, ओके, फॉल्स और ट्रू मिलने पर क्या हो रहा है, यहां पर ट्रू हो रहा है, क्योंकि एक भी ट्रू अगर मौजूद है तो और ऑपरेटर में रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा और ऑपरेटर में हमेशा रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर फॉल्स और फॉल्स है, इफ एंड ओनली इफ देयर इज फॉल्स एंड फॉल्स देन ओनली इट विल बिकम द फॉल्स, ओके, तभी जाकर के ये फॉल्स होगा। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये जो फॉल्स है, ये फॉल्स और ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये फॉल्स जब मिले तभी आपको रिजल्ट में फॉल्स मिला, बाकी सारे कॉम्बिनेशन में ट्रू मिलेंगे, बाकी सारे कॉम्बिनेशन में ट्रू मिलेंगे, ये फॉल्स नहीं होना चाहिए, ओके, ये फॉल्स नहीं होना चाहिए, यहां पे गलत लिखा है मैंने, ओके, ये कैसे फॉल्स होगा, यहां पे एक ट्रू है ना, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स मिलकर के क्या होगा, ये हो जाएगा यहां पे ट्रू, क्या हो जाएगा, ट्रू, ओके, ट्रू और फॉल्स मिलकर के ट्रू हो जाएगा, सारे केसेस में यहां पे ट्रू होंगे, बट कहां फॉल्स होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉल्स और फॉल्स मिलकर के ही यहां पे आपको जो है फॉल्स मिलेगा, ओके, ये हो जाएगा ट्रू हमारा, ओके, ये क्या है, ट्रू है, क्यों ट्रू हुआ है, क्योंकि यहां पे फॉल्स ऊपर में है बट इसके राइट साइड में क्या है, ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इट मींस अगर एक भी ट्रू रहता है और ऑपरेटर में तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो ट्रू कहलाएगा, अगर दोनों साइड में फॉल्स रहेगा तो ही जाकर के आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा, ओके, तो ही जो आपका रिजल्ट जाकर के क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ये हो गया यहां, और यहां पे देखिए सिर्फ एक ही केस में ट्रू आया क्योंकि ट्रू प्लस ट्रू हुआ है, ओके, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ये आ गया यहां का ट्रू इसमें आ गया, ओके, और ये वाला ट्रू आ गया, ये दोनों ट्रू मिल करके ही यहां पे ऐसा हुआ है, और ये फॉल्स जो है, ये फॉल्स कैसे काम आ रहा है, ये फॉल्स और ये वाला जो फॉल्स है, ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, ये वाला फॉल्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ओके, तो ये हो गया उसका पहला। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, वो तो डायग्राम हो गया, एग्जांपल पे अगर हम समझेंगे तो और भी ज्यादा आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो इसका एग्जांपल क्या होना चाहिए, ओके, ट्रू फॉल्स और नॉट का रहेगा ना, नॉट का हम दे देते हैं, नॉट का भी दे देता हूं मैं यहां पे आपको, नॉट में क्या होता है, ओके, एक नॉट का भी दे देते हैं, नॉट बहुत ही सिंपल चीज है, नॉट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस दो ही आपको जो है यूज करना पड़ रहा है, दो ही एक्सप्रेशन इसमें रहेंगे, ट्रू रहा तो क्या होगा और फॉल्स रहा तो क्या होगा, ओके, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये क्या होता है, जस्ट आपका जो वैल्यू होता है उसे चेंज कर देता है, ओके, नॉट रहा और ट्रू रहा, ओके, नॉट रहा और ट्रू रहा तो यहां क्या हो जाएगा, ट्रू की जगह ये क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और नॉट रहा और यहां पे अगर फॉल्स है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सर, ट्रू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, जो भी उसका वैल्यू है उसे जस्ट वो
इन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, ओके okay? अगर ट्रू है तो फॉल्स कर रहा है, फॉल्स है तो ट्रू कर रहा है, बहुत सिंपल सी चीज है, ओके okay? ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। मैं एग्जाम्पल किसका ले रहा हूं फिलहाल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं एंड ऑपरेटर का, ओके ठीक है। सो इंट ए इक्वल टू मैं ले लिया यहां पे 7, ओके बी इक्वल टू मैं ले लिया 5 और सी इक्वल टू मैंने लिया है 2, ओके इंट ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 2। अब देखते हैं कि बुलियन, ओके बुलियन बुलियन डी इक्वल टू, अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी, ओके एंड क्या यूज किया मैंने, एंड ऑपरेटर एंड, ओके ए ग्रेटर देन सी, ओके और मैं यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में देखना चाहता हूं डी के वैल्यू को, ओके ये आपको समझना होगा, क्या करना होगा समझना होगा, ये क्या हुआ है यहां पे ए इक्वल टू वैल्यू है 7, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 2 है, इट मींस ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ओके ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या हो रहा है, ए जो है बड़ा है बी से, ए बड़ा है क्या 7 है ए में, बी में 5 है, ओके ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, ओके क्या हुआ ट्रू हुआ क्योंकि यहां पे क्या है ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है एंड एंड ऑपरेटर यूज किया गया, ओके उसके बाद ए ग्रेटर देन सी, ए जो है सी से भी बड़ा है बोला जा रहा है, राइट ओके राइट है ट्रू है। अब देखते हैं एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का यहाँ पे क्या है लॉजिक देखिए, अगर दोनों ट्रू होते हैं यहां भी ट्रू होता है यहां भी ट्रू होता है तो ही जाकर के आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, तो ये क्या ये ट्रू है लेफ्ट साइड, यस इट इज ट्रू एंड द राइट साइड आल्सो ट्रू, सो रिजल्ट क्या होगा आपका, रिजल्ट हमेशा आएगा ट्रू, ओके क्यों आया ट्रू, क्योंकि यहां पे देखिए ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों केस अगर ट्रू होते हैं तो ही आपका रिजल्ट ट्रू में आएगा, ओके और ये क्या है बुलियन टाइप का है इसलिए हमें क्या रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स में ही हमेशा रिजल्ट शो करेगा, ठीक है तो इसका रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट हम कहां लिखेंगे, ये रिजल्ट हम लिखेंगे यहां पे, ये जो है इसका रिजल्ट है, ओके फाइन। आप चले जाते हैं सेकंड एग्जांपल पे, ओके ये हो गया हमारा एग्जांपल फर्स्ट था, अब हम एग्जांपल टू में आते हैं, ओके एग्जांपल टू में मैं देखता हूं एग्जांपल टू में क्या हो गया, बुलियन ए इक्वल टू मैं ले लेता हूं ट्रू, ओके यहां पे मैं डायरेक्टली बुलियन को भी ले सकता हूं, जरूरी नहीं कि आप इंटीजर को ही ले, आप डायरेक्ट बुलियन ले सकते हैं, बुलियन ए इक्वल टू अगर मैं लेता हूं ट्रू, ओके और बी इक्वल टू मैं लेता हूं फॉल्स, बी इक्वल टू मैं लेता हूं फॉल्स, ओके और मैं यहां पे देखना चाहता हूं बुलियन, ओके बुलियन सी इक्वल टू, बुलियन सी इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूं ए एंड ऑपरेटर का यूज करके बी किया, ओके और मैं यहां पे शो करना चाहता हूं मेरा सी को, ओके क्या हो रहा है देखिए ए में क्या है ट्रू है, बी में क्या है फॉल्स है, ओके एंड ऑपरेटर मैंने यूज किया, एंड ऑपरेटर मैंने यूज किया, एंड ऑपरेटर क्या कहता है जाके देखते हैं, एंड ऑपरेटर क्या कह रहा है, एंड ऑपरेटर कह रहा है कि दोनों केस में अगर फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा वरना ट्रू होगा। अब देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है, दोनों केस में फॉल्स है नो, एक केस में क्या है ट्रू है, अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा ट्रू होगा, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ओके इस तरीके से आपको समझना है। ये हो गया सेकंड ऑपरेटर सेकंड एग्जांपल, अब चले जाते हैं थर्ड एग्जांपल की ओर। समझ में आ रहा है जिसको धीरे धीरे समझना है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके लॉजिक को समझिए उसके बाद आगे बढ़िए, ओके ऐसा नहीं कि मैं फ्लो में पढ़ा रहा हूं तो आप उसी के साथ चलते जाएं, वीडियो पॉज करके आप आराम से देखिए समझिए उसके बाद आगे बढ़िए, ओके ये बेसिक चीजें हैं इसलिए मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा इतना तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों को आपको जब डील करना होगा तो इन सब चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, इसे जब मैं समझाऊंगा तो आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, ओके बट ये जो है बहुत बेसिक है बहुत सिंपल सा चीज है क्योंकि इसे मैं डायग्राम के जरिए भी समझा चुका हूं। एंड ऑपरेटर में क्या हो रहा है, अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा वरना सब फॉल्स होगा, और ऑपरेटर में अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा वरना बाकी सब ट्रू होगा, नॉट ऑपरेटर में क्या यूज हो रहा है, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ओके सिंपल चीज है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ओके तो ये हमारा हो जाए एग्जांपल थ्री। एग्जांपल थ्री में हम देखते हैं कि मैंने यहां पे लिया है एग्जांपल थ्री में इंटीजर ए इक्वल टू मैं लिया 5, ओके बी इक्वल टू मैं लिया 10, ओके इसके बाद मैं क्या करता हूं बुलियन सी इक्वल टू मैं क्या करता हूं बुलियन सी इक्वल टू मैं यहां पे कर देता हूं बुलियन सी इक्वल टू मैंने किया नॉट ए ग्रेटर देन बी, ओके नॉट ए ग्रेटर देन बी। अब देखिए क्या हो रहा है, ए ग्रेटर देन बी पहले हम चेक करते हैं, ओके ए ग्रेटर देन बी है क्या, ए जो है वो ग्रेटर देन है क्या बी से, सॉरी यहां सी मैंने किया ये हो जाएगा बी, ओके ए ग्रेटर देन बी इट मींस क्या हो गया, मैं कह रहा हूं कि ए बड़ा है बी से, क्या कह रहा हूं ए बड़ा है बी से ये कहना चाहता हूं मैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है ए तो छोटा है बी से, बी में 10 है और ए में 5 है, तो ये क्या होना चाहिए ये फॉल्स होना चाहिए, राइट इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए फॉल्स आना चाहिए, बट ध्यान दीजिए इससे पहले क्या यूज किया गया नॉट ऑपरेटर, तो ये फॉल्स है ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है, ये ट्रू थोड़ी है, ट्रू तब होता है जब ये हम कहते हैं कि ए बी से छोटा है क्योंकि ए के पास 5 है और बी के पास 10 है,
राइट। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ए बी से बड़ा है कह रहा है, इट मींस ये फॉल्स है। लेकिन इससे पहले मैंने क्या यूज किया है, नॉट ऑपरेटर यूज किया है, और नॉट ऑपरेटर क्या कहता है सर, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो और अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दो। इट मींस ये फॉल्स है मगर मैं इसे क्या कर रहा हूं, ट्रू कर रहा हूं, और रिजल्ट देखूंगा सी में तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। बात समझ में आई, बहुत सिंपल सी चीज है। ओके ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके अब मैं चलता हूं फोर्थ एग्जाम्पल की ओर। ओके ये थोड़ा सा फोर्थ एग्जाम्पल ट्रिकी होगा। ओके कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंफ्यूजिंग है। जो पहला वीडियो देखे वही लोग इसका एग्जाम्पल का जो है आंसर दे पाएंगे, जो डायरेक्टली ये देख रहे हैं नहीं देख पाएंगे, और जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं सारे वीडियो को फॉलो करा उनको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा ये एक एग्जाम्पल में। ओके ठीक है, सो मैं क्या करता हूं बुलियन। ओके मैं ले लेता हूं एक बुलियन। ओके बुलियन लिया, बुलियन क्या किया मैं, बुलियन ट्रू इक्वल टू मैं लिया ट्रू, बुलियन ट्रू इक्वल टू मैंने लिया ट्रू, और एक बुलियन ले रहा हूं मैं बुलियन फॉल्स। ओके बुलियन फॉल्स इक्वल टू मैंने लिया ट्रू, ठीक है। और मैं यहां पे शो करना चाहता हूं ओके बुलियन नल, बुलियन नल इक्वल टू मैं शो करना चाहता हूं ट्रू ओके एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ओके इसको आप अलग अलग लिखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स मैंने शो किया। ओके और मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं दिखाना चाहता हूं अपना जो वैल्यू है वो किसे, नल को, क्योंकि नल में सारी चीजें स्टोर हुई है। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। ओके अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, गैस कीजिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एग्जाम्पल जो है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रू है, ट्रू लिया गया, यहाँ भी फॉल्स है, फॉल्स की जगह भी ट्रू लिया गया, नल में ट्रू और फॉल्स को देख रहे हैं, क्या हो रहा है ये चीजें। जो लोग डेटा टाइप देख चुके हैं, जो लोग कीवर्ड्स के बारे जान चुके हैं, कीवर्ड्स का सेशन मेरा देखें, उनको पता होगा कि हम कीवर्ड्स या जो वेरिएबल है ओके वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन एक बुलियन को हम यहां पर कैपिटल टी देकर के असाइन नहीं कर सकते, कैपिटल टी देकर के यहां असाइन नहीं कर सकते। ये जो ट्रू है ये कीवर्ड है, बट ये जो ट्रू है ये कीवर्ड नहीं है, ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, यूजर के द्वारा बनाया गया वेरिएबल है। इट इज जस्ट ए कंटेनर दैट इज स्टोरिंग दी ट्रू। ओके ट्रू वैल्यू ये कंटेनर अपने अंदर कंटेन कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है। ओके ये जो फॉल्स है ये भी एक वेरिएबल, इसके जगह आप कोई नाम दे सकते हो, सोनू संजय पिंकी कोई नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता राइट। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां भी ट्रू वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, कौन सा वैल्यू, बुलियन टाइप का वैल्यू राइट। बुलियन में क्या आता है, ट्रू और फॉल्स आता है। तो इसमें क्या है, ये सिर्फ एक नाम है, ट्रू पे मत जाइए, ये सिर्फ एक नाम है। ओके ये नाम में हम क्या स्टोर करके रखे हैं, इस वेरिएबल में हमने स्टोर किया ट्रू, इस वेरिएबल में फॉल्स में भी हमने स्टोर करके रखा है ट्रू। और नल जो होता है, नल स्मॉल लेटर में एन यू एल एल, नल जो है वो कीवर्ड है, मगर यहां पे मैंने कैपिटल लेटर यूज किया तो ये कीवर्ड नहीं है। जो लोग कीवर्ड देखे हैं उनको अभी मजा आ रहा होगा, जो लोग कीवर्ड का वीडियो नहीं देखे हैं कीवर्ड जाकर के वहां देखे आपको समझ में आएगा। ओके बुलियन में हमको क्या करना है, बुलियन में नल वैल्यू जो है हम लोग नल वेरिएबल एक लिए हैं और उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स। ओके ट्रू एंड फॉल्स, ये फिर से मैं आपको कह रहा हूं, ये जो ट्रू है ये ट्रू के अंदर एक और असली वाला ट्रू है राइट। ये तो सिर्फ वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे हम कंपेयर करेंगे। तो ट्रू में क्या है, ट्रू है, और फॉल्स में क्या है, वो भी ट्रू ही है। जब ट्रू और ट्रू दोनों मिलता है तो क्या आता है सर रिजल्ट, यहाँ पे ट्रू और ट्रू जब मिल जाता है एंड ऑपरेटर में क्या आता है रिजल्ट, ट्रू ही आता है राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट, ट्रू आ जाएगा, क्या आएगा रिजल्ट, ट्रू आएगा। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये कंफ्यूजिंग था राइट, क्योंकि जिनको कीवर्ड्स नहीं पता है उनके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, जिनको कीवर्ड्स पता है वो एंजॉय करेंगे ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ओके अब इतना आपको नॉलेज आ गया है, आप इतना समझ चुके हैं, चार अलग अलग केसेस मैंने आपको बताया, इनका नॉलेज आपके पास आ गया। अब मैं आपको ये जो है आपका टास्क इसे मैं क्लियर करता हूं। ओके ये हम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ओके तो पहले में क्या होना चाहिए, बाइट ए इक्वल टू, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास होना चाहिए टाइप कन्वर्शन का नॉलेज, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब बाइट से इंट को कन्वर्ट होगा कि नहीं, एक्सप्लिसिट होगा या यू नो सिस्टमेटिक वे में कन्वर्ट होगा, 19 कन्वर्शन में आता है या 23 में आता है, और ASCII कोड का भी यहाँ पे यूज होगा, बहुत सारी चीजें हैं। ओके
हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। बहुत से लोग फेसबुक ग्रुप में जाकर के अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके अपलोड भी कर रहे हैं, वो लोग बेवकूफ नहीं है, उनका प्रैक्टिस हो रहा है। ओके, तो सारे वीडियोस के नीचे लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको सारे लिंक्स मिलते हैं, वहां पे जाकर के ग्रुप वगैरह में एड हो जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ओके, एनीवे, तो ये जो हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए आपके पास पूरा क्लियर कट होना चाहिए, जो है नॉलेज आपका टाइप कन्वर्शन का, ASCII कोड का, ओके, वेरिएबल का, और साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स का, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सारी चीजों का नॉलेज। अब यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज नहीं किया हूं क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक, बट ये बाकी के जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो सारी चीजों को यूज करके ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा ही लॉजिकल कोड स्निपेट आपके रिटर्न टेस्ट में आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जब आप रिटर्न टेस्ट देंगे। ओके, तो पहले में देखते हैं, पहले में क्या है, बाइट ए इक्वल टू 65। ओके, ये बाइट टाइप का, बाइट क्या है, डेटा टाइप है, ए क्या है, वेरिएबल है, 65 क्या है, लिटरल है। ओके, ठीक है, बाइट ए इक्वल टू 65, कैरेक्टर बी इक्वल टू ए, ए में जो वैल्यू है मैं बी को दे रहा हूं, मगर ये क्या हो रहा है, ए किस टाइप का है, बाइट है, किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, कैरेक्टर में, बाइट टू कैरेक्टर कन्वर्ट होता है क्या, बाइट टू कैरेक्टर कन्वर्ट किसमें आता है, ओके, बाइट टू कैरेक्टर किस में कन्वर्ट आता है, 19 में आता है या 20C में आता है, ओके, 20C में आता है, यहां पे मैंने एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया नहीं किया है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एरर आएगा। ओके, मैं इसे आपको एक काम करता हूं, इसे मैं सेव कर देता हूं फिलहाल। ओके, 9th है ना, ये क्या है आपका डायग्राम। ओके, ये हो गया सेव, इसे क्लोज करता हूं, और ये जो फोटो है आपका, इसे हम जा करके पेंट प्रोग्राम में ओपन करते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन में कर पाऊं थोड़ा उसमें। ओके, ओके, ओपन विथ पेंट प्रोग्राम, राइट, ओके, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, टाइप कन्वर्शन का प्रॉब्लम आएगा, टाइप कन्वर्शन का प्रॉब्लम आएगा, इट मींस आप यहां पर कैरेक्टर टाइप, ओके, आप क्या कर रहे हैं, ए बाइट को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइट टू कैरेक्टर किस में आएगा, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैरेक्टर बुलियन, ओके, ये सारी चीजें जो आती हैं, ये आपको याद रखना, पूरा फ्लो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे टाइप कन्वर्शन का जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है, और ये एक्सप्लिसिट तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, मगर हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है एक्सप्लिसिट, जैसे कि यहाँ पे हम मेंशन किए, राइट, 6 नंबर में देखिए, यहाँ 2 नंबर में भी एक्सप्लिसिट कन्वर्शन हुआ है, ओके, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज नहीं किया, तो ये क्या आ जाएगा, पहला नंबर जो आपका एरर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट एरर आएगा। ठीक है, ओके, सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड में क्या हुआ, बाइट ए इक्वल टू 10 और इंटीजर बी इक्वल टू ए को दे रहे हैं, ए में जो 10 वैल्यू है हम किसे दे रहे हैं, इंटीजर को असाइन कर रहे हैं, जो लोग डिक्लेरेशन असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन देख चुके हैं उनको मजा आएगा ये। ओके, ठीक है, बाइट ए इक्वल टू 10, इंटीजर बी इक्वल टू इंट ए, इंटीजर बी इक्वल टू इंट ऑफ ए, ओके, ए को हम एक्सप्लिसिट तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, हालांकि बाइट टू इंट कभी भी एक्सप्लिसिट कन्वर्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, राइट, एक्सप्लिसिट कन्वर्शन की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप बाइट को इंटीजर देना चाहते हैं, क्योंकि बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल बुलियन कैरेक्टर, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ओके, बाइट शॉर्ट इंट, इंट बाद में आ रहा है और बाइट पहले आ रहा है, मैंने क्या कहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितने कन्वर्शन होंगे वो सारे के सारे 19 कन्वर्शन में आते हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा, बाइट टू इंट, इसमें क्या चाहिए, इसमें हमको जरूरत नहीं है एक्सप्लिसिट तरीके से कन्वर्ट करने की, यानी मैं ब्रैकेट में इंट नहीं लिखूंगा तो भी इसका रिजल्ट सही आएगा, एरर नहीं होगा, मगर मैं अगर एक्सप्लिसिट तरीके से लिखता हूं तो भी एरर नहीं होगा, इसके बारे हमने डिस्कस किया है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहां पे क्या है, 10 है, तो ये आ जाएगा 10, ओके, क्या आ जाएगा, 10 आएगा, ठीक है, ओके, थर्ड में जाते हैं, यहां पे क्या आएगा, देखिए, कैरेक्टर ए इक्वल टू सी, कैरेक्टर ए इक्वल टू सी, ओके, कैरेक्टर ए इक्वल टू सी, और अब हम किसे दे रहे हैं, उसे इंट को दे रहे हैं, इंटीजर टाइप को हम क्या दे रहे हैं, कैरेक्टर दे रहे हैं, एक्सप्लिसिटली यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि कैरेक्टर टू इंटीजर होता है 19 कन्वर्शन में, राइट, 19 कन्वर्शन में आता है कैरेक्टर टू इंटीजर, और सी का वैल्यू क्या है, 65 में स्टार्ट होता है कैपिटल ए, ASCII कोड का यहां पे आ गया कॉन्सेप्ट, ASCII कोड में 65 का ए हो गया, 66 का कैपिटल बी हो गया, 67 का जो है कैपिटल सी हो गया, तो यहां पे आपका रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल यहां पे आपका रिजल्ट आएगा 67, क्यों, क्योंकि हम शो किसे कर रहे हैं, प्रिंट किसे कर रहे हैं, इंटीजर को कर रहे हैं, इंटीजर में वैल्यू कौन सा, ए है, ए में कौन सा वैल्यू है, सी है, कैपिटल लेटर का सी है, कैरेक्टर टाइप का अगर आप इंटीजर में देखना चाहो तो
उसमें क्या आएगा, अल्फाबेट्स नहीं आएंगे, नंबर शो करेंगे। ASCII कोड का कॉन्सेप्ट जब मैंने समझाया था तो डिटेल्स में, जो लोग पहली बार जा रहे हैं वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो यहां पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 67, क्योंकि कैपिटल लेटर का जो सी होता है वो 67 वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, ओके। फोर्थ नंबर में आता है, फोर्थ नंबर में क्या है यहां पे, फोर्थ नंबर में देखिए इंटीजर ए इक्वल टू 1, ओके, इंटीजर ए इक्वल टू 1, और यहां पे क्या है बुलियन बी इक्वल टू ए। इसमें हम बुलियन देखते ही हम एरर लिख देंगे, बुलियन देखते ही एरर लिखना है। मैंने क्या कहा था आपको टाइप कन्वर्शन में, बुलियन एक ऐसा तरीके का डेटा टाइप है जो किसी भी प्रकार के टाइप कन्वर्शन को अलाउ नहीं करता, हमेशा एरर ही आएगा, ना ही सिस्टम उसे कर सकता है इम्प्लिसिटली, ना ही यूजर उसे कन्वर्ट कर सकता है एक्सप्लिसिटली। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एरर, ये क्या है एरर, ओके, ये क्या है एरर, क्योंकि यहां पे बुलियन मेंशन किया होगा और बुलियन कभी भी कन्वर्ट नहीं होता किसी भी डेटा टाइप में। ओके, तो मैं आ जाता हूं फिफ्थ पॉइंट की ओर। ओके, फिफ्थ नंबर मेरा क्या है, फिफ्थ ने देखिए फ्लोट ए इक्वल टू 3.2। ओके, आप जो लोग नहीं जानते हैं पहला वीडियो देखे वो पूरा का पूरा लाइन पढ़ेंगे, लेकिन जो वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि फ्लोट डिक्लेयर करने पर, फ्लोट वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो लिटरल के साथ कैपिटल एफ या फिर स्मॉल एफ का होना जरूरी है, यहां पे वो ऐड नहीं किया गया है। राइट कब होता, जब हमको 3.2 के बाद कैपिटल एफ या स्मॉल एफ हमको लिखना पड़ता, वो नहीं है तो एरर हो गया। अगर वहां पे होता तो भी यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट टू इंटीजर को कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोट बाद में आता है इंटीजर पहले आता है, फॉरवर्ड टू जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रहा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज नीड द एक्सप्लिसिट कन्वर्शन, एक्सप्लिसिट कन्वर्शन मैं यहां किया हूं क्या नहीं किया हूं। इसलिए 3.2 के बाद अगर मैं एफ लिखता भी और यहां पे इंटीजर बी इक्वल टू मैं यहां पे इंटीजर ब्रैकेट में ना लिख करके ए लिखता तो भी एरर होता, तो ये क्या है एरर ही है, दो तरीके से ये एरर है। पहला, इसमें हमने डिक्लेरेशन पार्ट में गलती की है, क्या किया है डिक्लेरेशन पार्ट में, मतलब इनिशियलाइजेशन में हमने एफ या फिर स्मॉल एफ या कैपिटल एफ नहीं दिया, अगर दिए भी होते तो सेकंड लाइन में एरर आता। ओके, ठीक है, छह नंबर में आते हैं, ये सब चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, ये जब आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा चीजें क्या है, कैसे काम करती है। ओके, ठीक है, डबल ए इक्वल टू 4.3, ओके, डबल ए इक्वल टू 4.3, और यहां पे क्या है इंटीजर बी इक्वल टू इंटीजर ए, ओके, इंटीजर बी इक्वल टू इंटीजर ए, डबल टू मैं क्या कर रहा हूं यहां इंटीजर को दे रहा हूं, ओके, डबल से मैं क्या कर रहा हूं इंटीजर को दे रहा हूं, राइट तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए का जो वैल्यू है वो क्या है 4.3 है, डबल है तो वो स्टोर करके रख सकता है अपने अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ओके, और डबल में स्टोर करके रखने के लिए उसे डी लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हमने पहले बात कर चुका है। ओके, लॉन्ग में और फ्लोट में, लॉन्ग में एल लगाया जाता है, फ्लोट में एफ लगाया जाता है, बट इसका मतलब नहीं है कि आप डी में ऑटोमेटिक डी लगा दो, वो रूल में नहीं है। ओके, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक्सप्लिसिट तरीके से मैं यहां पे कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके, डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक्सप्लिसिट तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूं, ब्रैकेट में मैंने इंट लिखा है। ओके, राइट है, अब मैं दे दिया किसको, बी को दे दिया, बी क्या स्टोर करके रख सकता है सर, इंटीजर रख सकता है, इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखेगा क्या, नहीं रखेगा, इट मींस 4.3 से सिर्फ और सिर्फ 4 ही स्टोर होकर के रहेगा बी के पास, मैं शो किसे कर रहा हूं, बी को शो कर रहा हूं, राइट, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0.3 जो है वो ट्रंकेटेड हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा, ट्रंकेट मतलब इरेज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका जो कंप्लीट नंबर आता है 4 ही शो करेगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इसका रिजल्ट। ओके, ठीक है, सेवन नंबर में चलते हैं, सेवन नंबर में देखिए यहां पे फ्लोट है, फ्लोट ए इक्वल टू 9.3 है और यहां पे एफ यूज किया गया, यहां पे जो मिसिंग था, ओके, यहां पे जो एफ नहीं लिखा था वो यहां पे है, तो पहला लाइन तो राइट है, राइट, ओके, सेकंड में जाते हैं, यहां पे क्या है फ्लोट टू इंटीजर, ओके, फ्लोट टू इंटीजर, फ्लोट टू इंटीजर में क्या होगा सर, हम एक्सप्लिसिट तरीके से जो है कन्वर्ट करना पड़ता है, हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्ट किया है क्या, नहीं किया है, क्या हो जाएगा एरर आ जाएगा। ओके, एट नंबर में आता है, एट नंबर में क्या है, इंटीजर ए इक्वल टू 10, लॉन्ग ए इक्वल टू ए, ओके, इंटीजर टू लॉन्ग हो रहा है, ये क्या चाहिए, इंटीजर टू लॉन्ग में क्या चाहिए आपको, इंटीजर से लॉन्ग में आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्शन की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि इंट लॉन्ग, ओके, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, इंट लॉन्ग, इंट के बाद लॉन्ग आ रहा है, इट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये 19 कन्वर्शन में आता है, एक्सप्लिसिट तरीके से आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप इसे क्या कर सकते हैं, इजीली आउटपुट देख सकते हैं, 10 आ गया बी में, बी को हम शो किए, रिजल्ट आ जाएगा 10, ओके, ये पहली बार आपको असाइनमेंट में खुद कंप्लीट करके दिखा रहा हूं, इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद डायरेक्टली ऐसे पिक्चर्स दूंगा, ये असाइनमेंट को कंप्लीट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ओके,
तो ये अभी के लिए मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, नेक्स्ट असाइनमेंट जब दूंगा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग देंगे उसका रिजल्ट, उसके बाद जाकर के हम जो है उसके नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करना है। ओके, एनीवे 9 नंबर में आता, 8 हो गया ना, हाँ 9 नंबर में आता, 9 नंबर में क्या है, शॉर्ट इक्वल टू ए, शॉर्ट ए इक्वल टू 99 है। ओके ठीक है, कैरेक्टर बी इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर बी इक्वल टू कैरेक्टर का ए में दे रहे हैं, इट मींस हम लोग शॉर्ट से कैरेक्टर से शॉर्ट में जा रहे हैं, कैरेक्टर से शॉर्ट किस में जाता है, एक्सप्लिसिट में जाता है, एक्सप्लिसिट मेंशन है, यस ब्रैकेट में कैरेक्टर लिखा गया है, ए इक्वल टू 99 है। ओके, ए इक्वल टू 99 है, एक डिजिट है, एक नंबर है, और यहां कैरेक्टर को दे दिया गया, नंबर अगर कैरेक्टर को दिया जाएगा और कैरेक्टर को शो किया जाएगा तो क्या नजर आएगा, अकॉर्डिंग टू आस्की रूल यहां पे नजर आएगा कैरेक्टर्स, राइट, यहां पे नजर आएगा कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर नजर आएगा, 97 में क्या स्टार्ट होता है, स्मॉल स्टार्ट होता है, 97, 98, 99, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, रिजल्ट विल बी सी, स्मॉल लेटर का सी। ओके, इस तरीके से समझना चीजों को, एक चीज को सॉल्व करने के लिए हजारों टॉपिक को जानना जरूरी है, हजारों तरीके का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ओके, इसलिए जावा को लोग डरते हैं, इसलिए कहते हैं कि जावा नहीं सीखना है, लेकिन जो एक बार पकड़ लिया, एक बार समझ में आ गया जावा, वो एंजॉय करेगा कोडिंग को। ओके, पहले से वीडियो को देखिए, शुरू से वीडियो को देखिए, सारे सेशंस को फॉलो कीजिए, यू विल बी द मास्टर इन जावा। ओके ठीक है, टेंथ में आते हैं, टेंथ में क्या लिखा गया, बुलियन ए इक्वल टू ट्रू, बुलियन बी इक्वल टू ए, और यहां पे हमको शो कर रहा है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, बुलियन टाइप कन्वर्शन नहीं होता है, बुलियन में टाइप कन्वर्शन नहीं होता, मींस डेटा टाइप चेंज नहीं हो सकता, मगर बुलियन में वैल्यू एक दूसरे को दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुलियन ए इक्वल टू ट्रू था, ए इक्वल टू जो ट्रू वैल्यू है वही ट्रू वैल्यू को हमने बी को दिया और हम बी को शो कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आ जाएगा सर, ट्रू आ जाएगा रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट ठीक है। ओके, तो यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे 98 है, किसमें है, इंटीजर x में 98 है, इंटीजर x में 98 है। ओके, कैरेक्टर y इक्वल टू, मैंने एक्सप्लिसिट तरीके से यहां पे कैरेक्टर में चेंज किया है। ओके, कैरेक्टर में चेंज किया, इंटीजर टू में कैरेक्टर किया। ओके ठीक है, उसके बाद मैं क्या शो कर रहा हूं, मैं शो कर रहा हूं y को, y किस तरीके का है, कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर में क्या स्टोर होकर के 98 है, 98 अगर एक नंबर कैरेक्टर में शो करेगा तो क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहां पे किया है 98, यहां 99 में c है, 98 में क्या आ जाएगा सर, स्मॉल b आ जाएगा, राइट स्मॉल b आ जाएगा। ओके ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या है सर, देखिए 12 नंबर में क्या है, कैरेक्टर ए इक्वल टू स्मॉल ए, कैरेक्टर ए इक्वल टू स्मॉल ए, यहाँ पे मैं किसे दे रहा हूं, बी को दे रहा हूं, एक्सप्लिसिट तरीके से भी मेंशन किया। ओके, एक्सप्लिसिट तरीके से ही मैंने मेंशन किया है। ओके ठीक है, एक्सप्लिसिट तरीके से मेंशन किया, यहाँ पे ए दिया, बट मैं शो किसे कर रहा हूं, इंटीजर को शो कर रहा हूं, इंटीजर कैरेक्टर शो करेगा क्या, नहीं करेगा, क्या शो करेगा, नंबर शो करेगा, नंबर कितना है, ए है, ए तो कोई नंबर है नहीं, इसके पीछे का आस्की कोड हमें दिखेगा, ए का नंबर क्या हो जाता है सर, 97, ए का नंबर क्या हो जाता है, 97। इस तरीके से आपको चीजें सीखनी है तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, ये आपको मैं मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, ये फोटो भी आपको मिल जाएगा। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू यू नो लर्न एवरीथिंग, दिस इज द वे, इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। ये आप अभी इतना जो कंप्लीट देखे हैं ये वीडियो को अभी तक, उनको समझ में आ रहा होगा कि एक चीज को सीखने के लिए कितना कुछ चाहिए। ओके, सो ये बहुत ही आसान चीज नहीं है, बट मैं ये कहूंगा कि मुश्किल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। आप आईटी बैकग्राउंड से हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप चीजों को सीख रहे हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, एक आप कभी भी किसी भी जगह में अटकेंगे नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर प्रॉब्लम आता भी है तो सॉल्व करने का आपके पास कैपेसिटी होगा, आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो दिस इज टाइप कन्वर्सन, और ये सारी चीजें इस तरीके से होती है। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया सर, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हमने क्या किया, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हमने ये भी देख लिया, राइट, ये भी हमारा हो गया, 12 कोर्स स्निपेट्स हम देखे, हालांकि 12 मिनट में अभी नहीं किया गया क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। ओके, अगर सिर्फ आंसर लिखना होता तो 12 मिनट क्या, 3-4 मिनट में हो गया होता। ठीक है, ओके ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये आप भी कर सकते हैं, 3-4 मिनट में आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब होगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसे सोचने वाली बात नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं, आपसे भी हो पाएगा। ओके ओके ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की ओर जाते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट है, यहां पे आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, मैं यहां पे लिख देता हूं ऑपरेटर्स। ओके, और उसके साथ साथ मीनिंग, देखिए एक ही टीचर से पढ़ने का आपके पास ये फायदा है कि मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ा है, मैं कोर जावा में क्या पढ़ा हूं मुझे पता है, मैं HTML में क्या पढ़ा हूं मुझे पता है, मैं ओरेकल में क्या पढ़ा हूं मुझे पता है, आप मुझे ठग नहीं सकते, आप नहीं कह सकते कि ओरेकल में ये नहीं पढ़ाया गया है तो हमको नहीं मालूम,
आप नहीं कह सकते कि कोर जावा में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं हमको नहीं पढ़ाया गया तो हम एचटीएमएल में नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि टेबल कैसे बनाने का हमको नहीं सिखाया तो हम जेडीबीसी कॉन्सेप्ट में टेबल यूज नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैं पढ़ाया हूं तो मुझे पता है मैं क्या पढ़ाया हूं। ओके ठीक है, ये पॉजिटिव तरीके से इन सब चीजों को लीजिए। ओके आपको यू नो ठगने का मौका क्या है, आप अगर एक्चुअल में सीखना चाहते हैं तो आप हमेशा क्यूरियस होंगे जानने के लिए। ओके आप ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे राइट, मगर जो लोग जबरदस्ती सीखने की कोशिश करते हैं उनको सीखने का इच्छा नहीं होता, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं राइट। मगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपका इच्छा है, आप जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, इसलिए वीडियो देख रहे हैं। तो बने रहिए, आपको बहुत अच्छा सा एक कोर्स 6-7 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा। ओके आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी को आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में रिटर्न टेस्ट हो, वाइवा टेस्ट हो, कुछ भी हो, इंटरव्यू हो, आप अच्छे से कर सकते हैं। ये तो बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, जब हम लोग जाएंगे एडवांस में तो वहां पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से अटेंड करना इंटरव्यू, किस तरीके से आपको सारे रिटर्न टेस्ट देने हैं। ओके रियल लाइफ में क्या आपको काम करना पड़ेगा, वहां पे रियल टाइम में किस तरीके से प्रोजेक्ट में काम करना, सारी चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे। ओके उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं फिलहाल, ये सारी चीज, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मैंने कल भी कहा था ये लास्ट टॉपिक है, ऑपरेटर्स के बाद हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम में जाएंगे जावा का। ओके मैं आपको दिखाऊंगा जेडीके वगैरह इंस्टॉल करके पूरा का पूरा एनवायरमेंट, उसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे। ओके ठीक है, सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट। ओके इसे क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट INCREMENT ओके इंक्रीमेंट बाय वन। ओके इंक्रीमेंट होता है मत कहना, हमेशा कहना इंक्रीमेंट बाय वन। ओके दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज द कंप्लीट मीनिंग, इंक्रीमेंट बाय वन, क्योंकि इंक्रीमेंट मतलब क्या है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 हो रहा है, 12 हो रहा है, 15 हो रहा है, नहीं, इंक्रीमेंट बाय वन, ऑलवेज इंक्रीमेंट बाय वन। ठीक है ओके ये हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। साथ ही साथ हमारे पास क्या है, माइनस माइनस है, जिसे हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके डिक्रीमेंट बाय वन, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये दोनों ही चीज इसमें है, और इन दोनों चीजों को जो है आपको और भी अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब एक ही जो है वेरिएबल में काम करते हैं। तो दिस टू आर यूनरी ऑपरेटर्स एंड दिस आर फॉलोइंग फॉर्मेट्स में इसलिए लिखा क्योंकि इनके अंदर भी और चीजें हैं, जैसे कि एक हो जाता प्री इंक्रीमेंट जिसे हम कहेंगे प्री इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा, सपोज मैं ए लेता हूं तो पहले क्या होगा ए, ओके इंक्रीमेंट होगा। ओके और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, ये मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। ओके प्रैक्टिकल देखेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होगा सर, पहले वेरिएबल आएगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। ओके ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे आपको प्री डिक्रीमेंट कैसे होता है सर, प्री डिक्रीमेंट में पहले माइनस हो जाएगा। ओके और पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या हो जाएगा, ये आपके सिम कार्ड की तरह है। ओके आपके सिम कार्ड की तरह है, आप जिस तरीके से सिम कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, एक प्रीपेड होता है, एक आपका होता है क्या पोस्टपेड होता है, तो आप प्रीपेड अगर किए हैं तो पहले आप अपना रिचार्ज करते हैं उसके बाद आप यूज करते हैं राइट, और पोस्टपेड होता है तो आप पहले यूज कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली बिल आप उसको पे करते हैं राइट। तो उसी तरीके से यहां पे होता है, ठीक है, इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। तो मैं आपको ले जाता हूं पेन प्रोग्राम में, आपको समझ में आएगा वहां। ओके ये हो गया, इसे मैं सेव कर लिया, अब चलते हैं एक और पेन प्रोग्राम। ओके तो मैं एक टेबल फिर से बनाता हूं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का, आपको समझ में आ जाएगा लॉजिक। ओके ठीक है, ध्यान से देखिए इन सब चीजों को, ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जाकर के जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा तो इन सब चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना है, खाली इन्हीं चीजों में थोड़ी रहना, ये तो स्टार्टिंग है बोल के बताया जा रहा है ना। ओके क्या हो गया, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जाम्पल, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एग्जाम्पल, और यहां आ जाएंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट, क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके पोस्ट इंक्रीमेंट एग्जाम्पल, ओके ठीक है, तो मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं। ओके पहला एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं यहां पे क्या होना चाहिए, इंट। ओके इंट ए इक्वल टू, मैं ले लिया 5। ओके और मैं
प्लस प्लस ए करता हूं, ओके प्लस प्लस ए किया, ओके ये हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट में, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूं यहां पे, इसको देखता हूं सिस्टम, ओके सिस्टम का एस कैपिटल होगा, ओके क्यों हो रहा है ये मैंने नहीं बताया है, बट ये कैपिटल होगा, ओके आगे जा करके देखेंगे क्यों होता है। इसके लिए बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, तीन लाइन के कोड को, चार लाइन के कोड को आपको जानने के लिए हजारों कॉन्सेप्ट को जानना पड़ रहा है, टाइप कन्वर्सन, ASCII कोड, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके वैल्यू असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन, कितनी सारी चीजें हैं। इसे सीखने के लिए आपको उप कॉन्सेप्ट का जानना जरूरी है, उस उप कॉन्सेप्ट, हमारा सारा बेसिक कंप्लीट होने के बाद उप कॉन्सेप्ट आएगा। उप कॉन्सेप्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द कोर पार्ट, ओके इसी को कोर जावा कहते हैं। उप कॉन्सेप्ट के बाद आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हैं, उप कॉन्सेप्ट के बाद आप रिटन टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े कंपनी में भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो उप कॉन्सेप्ट को लेकर के होता है, कोर जावा को लेकर के होता है। कोर जावा सीखने के बाद आप कंपनी में काम कर सकते हैं एडवांस जावा सीखे बिना, ओके एडवांस जावा जो है एक आप यू कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजी है, ओके बट उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपको लैंग्वेज जानना है, और लैंग्वेज जो है कोर जावा है, एंड आई एम टीचिंग यू कोर जावा नाउ, ओके ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या शो कर रहे हैं सर हम लोग यहां पे, ए को प्रिंट कर रहे हैं, ओके देखते हैं ये हो गया ए, ओके और इसी चीज को मैं एग्जाम्पल यहां पर ले लेता हूं पोस्ट में, ये एग्जाम्पल वन हो गया ए प्लस प्लस, ओके यहां पे क्या हो जाएगा ए प्लस प्लस, ओके ठीक है ओके। अब देखिए पोस्ट और प्री में क्या फर्क है, अब देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। अगर दोनों ही सेम तरीके के हैं, ओके दोनों ही अगर सेम तरीके के हैं, सेम तरीके के मतलब क्या है, दोनों में अगर सिंगल है यहां पे देखिए एक ही वेरिएबल है, यहां भी एक ही वेरिएबल, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं, ओके जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं ए, ओके आप जैसे ही डिक्लेयर करते हैं ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए डिक्लेयर करते ही एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, ओके ए डिक्लेयर करते ही मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। ए इक्वल टू आपने 5 दिया, क्या दिया, ए इक्वल टू आपने दिया 5, तो यहां पे ए इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, राइट, ए इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन जैसे ही आपने उसे कन्वर्ट किया, ओके जैसे ही आपने उसे इंक्रीमेंट किया, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 5 से चेंज हो गया, और क्या हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, और हम किसे प्रिंट कर रहे हैं, 6 को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां पे रिजल्ट आ जाएगा, हमारा आउटपुट जो है 6 आ जाएगा, राइट, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से यहां पर भी होगा, जैसे ही आप यहां पे क्या करेंगे, ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो ए नाम का वेरिएबल के लिए एक जो है हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, मेमोरी एलोकेट होगा, मेमोरी के अंदर क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, इनिशियली 5 है, उसी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, उस वैल्यू को हम इरेज कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू अभी क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो जा रहा है, 6 हो गया। 6 होने के बाद यहां पे आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट, आपका रिजल्ट आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा, रिजल्ट 6, क्योंकि आपने वैल्यू को प्रिंट करने से पहले उस वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 किया है, इंक्रीमेंट बाय 1 किया है, ओके। यहां पे देखिए सिर्फ ए है, यहां पे बी नहीं है, सी नहीं है, या कोई और ऑपरेंड नहीं है। ऑपरेंड का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल हो जाए, लिटरल हो जाए, या कोई एक्सप्रेशन हो जाए। इट मींस ए प्लस प्लस हो रहा है, ए प्लस प्लस बी या ए प्लस प्लस सी, ऐसा नहीं हो रहा है। इट मींस एक ही ऑपरेंड में काम कर रहा है, इसलिए इसे यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, ओके ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में इंट ए इक्वल टू कितना लेता हूं, इंट ए इक्वल टू मैंने लिया 5, ओके और इंट इंट बी इक्वल टू इंट बी इक्वल टू मैं ले लेता हूं प्लस प्लस ए, ओके प्लस प्लस ए, ठीक है ओके। अब मैं देखता हूं सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहां पे आपको वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। मैं किसे शो कर रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पहले ए को मैं प्रिंट कर देता हूं और बी को भी प्रिंट करके दिखाऊंगा, ओके ठीक है। ये हो गया ए, उसके बाद मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करूंगा, बी को प्रिंट करके दिखाऊंगा, ओके क्या करूंगा, बी को प्रिंट करके दिखाऊंगा। अब देखते हैं, और इसी एग्जाम्पल को मैं यहां ले लेता हूं, और यहां पर आपको डिफरेंस पता चले, ओके ये हो गया एग्जाम्पल 2, ओके यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये इंक्रीमेंट जो है इसे मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर देता हूं, यानी कि बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, राइट, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, देखिए ए इक्वल टू वैल्यू 5, तो यहां पे सेम कॉन्सेप्ट में आपको एक बार और समझा दूं, जैसे ही हमने क्या किया, ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओके और यहां पे हमने बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, राइट, दो तरीके के हम लोग वेरिएबल लिए,
तो ए में हमारा क्या हो जाता है देखते हैं, राइट, ये हो गया ए और यहां आ गया बी, राइट, ए और बी दोनों को हम लोग को वैल्यू देना है। तो ए में जिस तरीके से मैं क्या किया, सबसे पहले क्या आ गया ए में 5 आ गया वैल्यू, क्यों, क्योंकि मैंने 5 दिया है, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट पहले हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि प्री है, प्री लिखा गया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा इसका रिजल्ट 6, ओके। क्या आ गया, ए में क्या स्टोर हो गया, 6 स्टोर हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, ये ए प्लस प्लस होने के बाद, मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूं, देखिए ये जो a प्लस प्लस है, ये a प्लस प्लस होने के बाद पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, बात को समझिए, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद वो b में जाकर के स्टोर हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद b में जाकर के स्टोर हो रहा है, तो b में भी वैल्यू क्या हो गया, b में वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू भी आपको क्या मिलेगा, यहां पे 6 ही मिलेगा, क्योंकि b का वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद b में असाइन हो रहा है, राइट। इस तरीके से आपको रिजल्ट यहां पे क्या मिलेगा सर, a का भी रिजल्ट जो है आपको 6 मिलेगा, और साथ ही साथ यहां पे जो b का रिजल्ट है वो भी आपको 6 ही मिलेगा, क्योंकि b में भी 6 है और a में भी 6 है। समझ में आया, ओके, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है देखते हैं, ओके, यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, आप सबसे पहले क्या किए, यहां आपने यूज किया a प्लस प्लस, ओके, a प्लस प्लस, a प्लस प्लस पहले हो रहा है, ओके, a प्लस प्लस पहले हो रहा है, नो, a प्लस प्लस होने से पहले क्या हो रहा है, a का वैल्यू पहले b में जा रहा है, ओके, a का वैल्यू पहले b में जा रहा है, मैं एक बार और समझाता हूं आपको, पहले क्या हो रहा है, a का जो वैल्यू है वो b में जा रहा है, ओके, a का वैल्यू पहले b में जा रहा है, उसके बाद a प्लस प्लस हो रहा है, राइट, क्योंकि ये पोस्ट है, बाद में हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। तो इस ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, देखिए ये आ गया हम लोग यहां पे आ जाते हैं, और ये हो गया a का वैल्यू और b का वैल्यू, राइट, ये हो गया a और यहां पे आ गया आपका b, ओके, और मैं यहां पे दो बॉक्स बना देता हूं, ये आ गया a का बॉक्स, ओके, और ये आ गया B का बॉक्स, ये है मेमोरी एलोकेशन, ओके, समझने के लिए ग्राफिकल वे में मैं करके दिखा रहा हूं। A का वैल्यू इनिशियली कितना था सर, 5 था, ओके, ठीक है, 5 था, 5 होने के बाद इनिशियली पहले 5 था और उसके बाद वही वैल्यू 5 था और B को मिल गया 5, राइट, क्योंकि बाद में इंक्रीमेंट हुआ, पहले क्या हो गया, B को दिया गया, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद जाकर के यहां पे क्या हुआ है, 6 हुआ है, उसके बाद जाकर के यहां पे क्या हुआ है, 6 हुआ है, इट मींस पहले 5 वैल्यू था, वही 5 वैल्यू B को मिला, B को मिलने के बाद A का वैल्यू जाकर के 6 हुआ है, तो यहां पे रिजल्ट क्या होना चाहिए, यहां पे रिजल्ट क्या होगा, ओके, यहां पे रिजल्ट क्या होगा, यहां पे जो है A का रिजल्ट क्या आएगा, यहां पे A का वैल्यू क्या है, यहां पे 6 आएगा, और b का वैल्यू क्या आएगा सर, यहां पे b का वैल्यू आएगा 5, ओके, a का रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा, b का रिजल्ट आएगा 5, क्योंकि 5 को यानी कि b को जो मिला है वो इंक्रीमेंट होने से पहले मिला है, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब a के बाद है, देखिए a है, a से पहले अगर प्लस प्लस है तो पहले प्लस प्लस होगा, a के बाद अगर प्लस प्लस है तो पहले काम खत्म होगा इंक्रीमेंट का, उसके बाद पहले काम खत्म होगा असाइनमेंट का, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, ये बहुत सिंपल सा चीज है, देखिए मैं आपको यहां पे एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं क्या हो रहा है, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बाद में प्लस प्लस है, पहले ए है, ओके, पहले ए है, उसके बाद प्लस प्लस है, तो ए से पहले जो है वो हो जाएगा, ओके, लेकिन ए से पहले अगर प्लस प्लस रहता तो पहले प्लस प्लस होता, उसके बाद वो चेंज होता, ओके, ए प्लस प्लस हुआ, उसके बाद बी को दिया गया यहां पे, तो पोस्ट प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू चेंज होता है, मतलब इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद किसी को दिया जाता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू दे दिया जाता है, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होता है, ओके, ये फर्क है, इतना जानना होगा आपको, ओके, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, ओके, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं आप लोगों को, और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, इन सब चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, मैं यहां पे एक बार करके दे दिया, ये मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर दिया, तो ऐसा नहीं कि मटेरियल को अपने कंप्यूटर में सेव करके रख दिए, नो, यू हैव टू प्रैक्टिस वरना आपके यू नो मुश्किल हो जाएगा, ओके, ये सारी चीजें जो है ये दिखने में आसान लग रही है, अभी समझा रहा हूं तो आपको आसान लग रहा है, आप जब खुद करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ओके, ठीक है, मैं थर्ड एग्जाम्पल देता हूं, इंट ए इक्वल टू मैं दे दिया 5, ओके, और मैं यहां पे दे देता हूं डायरेक्टली, ये तरीका मैं आपको नहीं दिखाया था, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, प्रिंट एलन, ओके, प्रिंट एलन, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं सर, यहां पे मैं प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूं, एक बार प्रिंट कर रहा हूं, ओके, सेम चीज हम दे देते हैं यहां पे, देखते हैं क्या काम आता है,
राइट, ये हो गया हमारा थर्ड। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम प्री के जगह पोस्ट कर देते हैं, राइट। यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्री के जगह क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, देखिए पहले वाले केस में क्या हो रहा है, ए इक्वल टू फाइव, इट मीन क्या हो गया, मैं एक ले जगह बनाता हूं पहले, ए जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया, ओके, ए जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया क्या हो जाएगा, मेमोरी एलोकेट होगा, मेमोरी एलोकेट हो गया, ओके, मेमोरी मिल गया, ओके, क्या हो गया, मेमोरी एलोकेट हो गया। मेमोरी एलोकेट होने के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू वैल्यू क्या है, फाइव है, ओके, ए इक्वल टू वैल्यू क्या है, फाइव है, ठीक है, ये आ गया वैल्यू इसका फाइव, ओके। अब ये फाइव वैल्यू को क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद प्रिंट हो रहा है, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, इसे ए वैल्यू को इरेज करके यहां पे क्या आ गया इसका वैल्यू, फाइव की जगह क्या आ गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया सिक्स, राइट, इसका वैल्यू क्या हो गया सिक्स। तो ये सिक्स जो है यहां पे प्रिंट होगा, क्यों हो रहा है ये देखिए, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद ये प्रिंट हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद प्रिंट हो रहा है, इसलिए इसका जो है रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा सिक्स, क्या आ जाएगा सिक्स, इसका रिजल्ट आ जाएगा सिक्स, ओके, ठीक है। अब समझते हैं इस तरफ क्या हो रहा है, ओके, यहां भी हमको क्या करना है, पहले आ गया क्या, हमने दे दिया ए, ए जैसे ही हमने लिखा हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक मेमोरी एलोकेशन हो गया, मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, एक बॉक्स क्रिएट हो गया, राइट, एक बॉक्स क्रिएट हो गया, तो ये बॉक्स, एक बॉक्स क्रिएट हो गया, बॉक्स के अंदर क्या आ गया, सबसे पहले वैल्यू क्या था, फाइव था, तो मैं लिख दिया फाइव, राइट, ये मेरा वैल्यू आ गया फाइव बॉक्स में, ओके। उसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे है मेन कॉन्सेप्ट, यहां पे क्या हो रहा है, पहले वैल्यू चेंज हुआ है या फिर पहले जो है प्रिंट हुआ है, पहले प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये ए के बाद है, ए के बाद प्लस प्लस हुआ है, इट मींस पहले ए प्रिंट होगा, पहले ए प्रिंट होगा उसके बाद उसका वैल्यू चेंज होगा, राइट, पहले ए प्रिंट होगा उसके बाद उसका वैल्यू चेंज होगा, तो वैल्यू चेंज तो हो गया मगर किसके बाद चेंज हुआ, प्रिंट करने के बाद चेंज हुआ, ओके, वैल्यू चेंज हुआ, स्टोर होकर के भी है, वैल्यू अभी क्या है सिक्स है, लेकिन सिक्स वैल्यू होने से पहले प्रिंट हो चुका है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा क्या, फाइव, ओके, क्योंकि फाइव जो है, फाइव जब था वैल्यू तब ये प्रिंट हो चुका था, प्रिंट होने के बाद इसका वैल्यू चेंज हुआ है। तो इस तरीके से आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, ओके, इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, राइट, ये है आपका, ओके, इस तरीके से आपको समझना होगा। ये भी मैं स्टोर कर देता हूं, ओके, ये नाइन और ये क्या है, ये आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ओके, ठीक है। इसे ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा घर में जाकर के, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। और कौन से कॉन्सेप्ट बचते हैं, इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट, ये सेम चीज है, डिक्रीमेंट में भी सेम है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट बाय वन हो रहा है, यहाँ पे देखिए मैं समझा देता हूँ, इंक्रीमेंट बाय वन हो रहा है, यहाँ पे जो फाइव है ये सिक्स हो रहा है, ये फोर हो जाएगा, ओके, यहाँ पे जो सिक्स हो रहा है वो फोर हो जाएगा, फाइव अगर रहेगा तो फोर हो जाएगा, सिक्स सिक्स है तो फाइव हो जाएगा, टेन है तो नाइन हो जाएगा, राइट, हंड्रेड है तो 99 हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाय डिक्रीमेंट बाय वन होगा, ओके, इंक्रीमेंट बाय वन जहां हो रहा है वहां डिक्रीमेंट बाय वन होगा, बाकी सारे सेम काम होंगे, जहां जहां पहले इंक्रीमेंट आ रहा है, जहां जहां पहले डिक्रीमेंट आ रहा है पहले डिक्रीमेंट होगा, जहां जहां बाद में डिक्रीमेंट आ रहा है पहले प्रिंट होगा या असाइन हो जाएगा उसके बाद डिक्रीमेंट होगा, सेम कॉन्सेप्ट, प्लस की जगह माइनस हो रहा है बस, ओके। और कौन से कॉन्सेप्ट बचते हैं हमारे, ओके, सारे कवर हो गए आज के, राइट, हमने क्या क्या पढ़ा, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, साथ ही साथ हमने देखा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और 12 जो हमारे लॉजिकल कोड स्निपेट्स है वो भी हमने देखा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स नए नए देखेंगे, ओके, रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जावा के प्रोग्रामिंग की ओर जाएंगे। सो आज का जो है ये सेशन यहीं पे खत्म होता है, बहुत सारी चीजें हमने सीखी आज, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें से, ओके, आपको कुछ वैल्यू एड हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो आप और भी लोगों को शेयर कीजिए, ओके, और उन लोगों को भी बताइए वो क्या सीख सकते हैं यहां से, शेयर कीजिए, ओके, ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।